कल मानशु भैया ने गिटार लिया था, और उस गिटार की कहानी ये है कि पहले मैं अपने से शुरू करता हूँ। तो ये बात है 2016 की। 2016 में मैंने सोचा कि मेरे को गिटार लेना है, बट पैसे थे नहीं तो ले नहीं पाया। फिर 2018 में मैंने सोचा कि अब तो चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए कहीं से जुगाड़ूंगा पैसे, ले लूँगा। बट उससे पहले मैंने सोचा कि सीख लूँ थोड़ा बहुत। तो सीखने के लिए मैंने, मेरा एक दोस्त है अभिषेक, उससे मैंने गिटार लिया। उसके पास पड़ा था, वो बजाता था नहीं, तो मैंने ले लिया उससे। और फिर थोड़ा बहुत स्पाइडर वगैरह मैंने सीखा था। शुरू में स्पाइडर वाली प्रैक्टिस कुछ होती है, वो मैंने सीखा। और तब तक मैं मानसू भैया को भी मूड चढ़ गया वो गिटार देख के कि मुझे लेना है तो लेना है, या फिर उनको पहले से भी लेना होगा। फिर उसके बाद वो देख के उनको और मोटिवेशन आ गया हो कि अब लेना है यार, तो उन्होंने ले लिया। अमेज़ॉन से उन्होंने लिया था। और फिर क्या हुआ कि मैंने अभिषेक को गिटार वापस कर दिया और सीखना बंद कर दिया। और मानसू भैया ने गिटार ले लिया था, तो उससे उन्होंने सीखा या 2 साल रखा, जो भी किया उन्होंने। और उन 2 सालों में गिटार कितनी बार फ़ोटोशूट पे गया, कितनी बार उसका स्ट्रिंग टूट गया, और एक बार तो उसका ब्रिज भी टूट गया था। ये सब थोड़ा बहुत जो ब्रिज, स्ट्रिंग और फ्रेट ये सब बोलते हैं, वो भी मुझे तब आया था जब मैंने 2018 में अभिषेक के किससे गिटार लिया था। और उन्हीं 2 सालों में मानसू भैया ने गिटार सीखा, और क्या किया पता नहीं, बट वो अब तो नूब लेवल पे आ गए। पहले तो नूब क्या, कुछ नहीं उन्हें आता था। सीखा उन्होंने, जितना भी सीखा वो यूट्यूब से ही सीखा है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब से यू कैन लर्न लाइक एनीथिंग। उसके बाद कल उनका बर्थडे था, 8th of July, तो उन्होंने कल नया गिटार लिया। तो कल के व्लॉग में मैं गिटार दिखा नहीं पाया था। चलो चलते हैं। राजा, कैसा लग रहा तुमको ये गिटार? जाओ जरा, वैसे इंटरव्यू लिया जाता था मेरे को। इंटरव्यू थोड़ी है भाई। गिटार को हम ऐसे हाथ में लगाते हैं। अरे भाई, ये क्या पूरा कैप वगैरह लगा रहा? उसका देखो एक तलीका है, एक सलीका, सलीका जो भी हो। तुम्हारे तुम्हारे असिस्टेंट के बारे में कुछ बताओ। ये मेरे से बेहतर गिटार बजाना जानते हैं। असिस्टेंट पहला वाला असिस्टेंट हुआ ऐसा कि अच्छा जानता है। वही तो असिस्टेंट है तो स्ट्रगलर है वो। टैलेंट को इसका कोई स्ट्रगल करना पड़ता है ऊपर तक आने के लिए। यार नेपोटिज्म का शिकार। लेकिन नेपोटिज्म, ये सब नेपोटिज्म ऐसे ही ऊपर चला जाता है बिना कुछ जाने पहचान। तो आप पहचाने क्या सुनना पसंद करेंगे? बाहों के दरमियान मिल रहा है। अरे गाली गलौज नहीं, फैमिली कंटेंट है। तो आपको दूसरा गाना सुना देते हैं, ये अच्छा नहीं लगा तो। दिन सिंपल है भाई, 2 मिनट के लिए पॉज करो। देखो अभी कैसा मैं बजाऊं, इतना ओबड़ी को बजाऊंगा ना। हाँ, ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, स्पीकर बच जाएगा। देखो ब्लू ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं होता। अरे भाई, मोबाइल लगा के भाई चार्ज स्विच ऑन ही नहीं किया था, अभी ऑन किया है। ऐसे थोड़ी ना होता है मानसू भैया। अपना टैलेंट दिखाओ, नेपोटिज्म से हो लेकिन कुछ तो टैलेंट होगा तुम में। है भाई है, लेकिन तुम बार बार स्पीकर की तरफ क्यों देख रहे हो? हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट करके बजाते हैं, एक नंबर बजेगा देखो। और ये सब तो ठीक है मानसू, अपना गिटार का सफर शेयर करिए। गिटार का सफर यही था कि बहुत सफर करना पड़ा। उसके बाद मिला घर बहुत वालों ज्यादा जमीन पे लोटे रोए। घर वालों को बहुत मनाना पड़ा। घर वालों को बहुत मनाना पड़ा, तो फिर ये न्यू गिटार मिला। घर वालों ने कहा पहला गिटार आप कैसे लिए? पहला गिटार मस्ती मस्ती में ले लिया। पैसा पड़ा हुआ था, मतलब पैसा पड़ा हुआ था घर में, ज्यादा हो गया, अमीर हो गया थोड़ा सा, पैसा पड़ा। लेकिन आप पिछला गिटार तो 2018 में लिए थे जुलाई में ही, और ये 2020 में। एक सीरीज का प्लग देखें, काफी फ्लेक्सिबल खूबसूरत लग रहा है। पूरा मैं सुधर किए हुए भाई तुम। ये वाला थोड़ी ना बजाना था। कौन बजाना था भाई? अभी जिंदा हूँ तो धीले। क्या कौन क्या सिखा है? क्योंकि आप
गुरु गुरु राजा। अरे भाई भाई लेकिन देखे तुम मेरा मोबाइल लेकिन पटक वटक के बराबर कर दोगे यार, हम समझ गए भाई। हम नीचे तकिया किसने लगाया तुम देख नहीं? वो देखो चुका मतलब मारो गिरा देना तकिया लगाया तो। अरे कैपोड़ा था ना वो वाला गाना गाते, अगर तुम साथ हो। कैपो आप छोड़ के क्यों आए थे? अगर तुम कैपो क्या होता है वो लगाने वाला बीच में। तुम कभी देखोगे कि गिटार पे यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रहता क्लिप क्लिप, उसको तुमको क्लिप समझ में आ जाएगा, नेपोटिज्म से ना आयो। अरे ये सर छोड़िए मानसु, थोड़ा ट्यूटोरियल दीजिए कैसे कोई गिटार सीख सकता है, आप बजाइए मत अभी। गिटार सीखने के लिए पहले आपको चाहिए पेशेंस, आपके अंदर होना चाहिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, क्योंकि ये गिटार का रिक्वायर्ड सबसे पहला रिक्वायर्ड कंडीशन है, क्योंकि इसमें आपके फिंगर को याद होना चाहिए हर एक फ्रेट, मतलब कि मसल मेमोरी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये जो होता है धीरे 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 डेवलप करता है, ग्रेजुअली आपको आएगा गिटार। आप सोचेंगे कि इंस्टेंटली एक महीने में आप प्रो बन जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। कितना टाइम आपको लगा? 7-8 महीने। 7-8 महीना? 2 साल से गिटार लिए हुए थे? 2 साल से, लेकिन 1 साल में बीच मार गैप मार दिए थे हम। ये देखो ये वही सोचे भाई अभी तक उसका उसका ये क्यों नहीं आया, लिरिक्स क्यों नहीं आया YouTube पे उसका गिटार ट्यूनिंग हो गया। सितारिस्ट राजा हो गया। अरे भाई हाँ राजा बहुत, कम ऑन बजाओ बजाओ सितारिस्ट राजा, लेजेंडरी सितारिस्ट सितार बजाओ, बेड पे रख दिया ऐसे कर या। ये देखो लग रहा है सुंदर ना। अरे वाह राजा, एक बार बजा के दिखाओ तो राजा कैसे तुम बजाते हो सितार। वाह क्या क्या लेजेंडरी सितार बजाता है। ओ भाई वो फैन भाई फैन। अब तुम्हारा नंबर हम सेव करेंगे सितारिस्ट राजा। तो दिस वाज मानसु भैया का गिटार, और जब कल मैं गिटार लाने गया था तो वहाँ पे मन कर रहा था कि मैं भी एक ले लूँ, बट अभी पैसे हैं नहीं तो कभी और लेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है। एंड नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, एल्स डिसलाइक इट, और कमेंट ज़रूर कर दो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कमेंट करूँ तो। नाइस गिटार लिख दो, दैट्स ऑल, बाय।